है ना। मुकेश कुमार सिन्हा जी की ये किताब मुझे आज ही मिली है। पूरी किताब पढ़ना अभी तक हुआ नहीं, लेकिन जितना पढ़ा है उससे कह सकती हूँ कि अनुभूतियों को बहुत ही खूबसूरत शब्दों में इन्होंने पिरोया है। आज मैं आपको इस किताब से तो कोई कविता नहीं सुना रही, लेकिन मुकेश जी की लिखी एक और कविता स्मृतियों के गुल्लक में, वो आज पढ़कर मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत कविता है, सुनिए। स्मृतियों के गुल्लक में, सिक्कों की खनक और टनटनाती मृदुल आवाजों में फिर से दिखी वो लाल फ्रॉक वाली लड़की। शायद उसके पायल की रुंझुन बता रही थी दूर तलक कि नखरेल और अभिमानी लड़की चलाएगी हुकुम स्नेह सिक्त टिमटिमाती नजरों के प्रभाव में। चंद सिक्के, कुछ चूड़ियां और कुछ चकमक पत्थर भी, सब आज भी हैं ताजमहल के मिनिएचर रूप में, एक खास पेंसिल बॉक्स में सहेजे हुए थी। कभी उससे जुड़ी, आज है मेरी थाती, बस नहीं सहेज पाया वो बूंदें जो बरसी थी कभी मेरी वजह से। दो जोड़ी आंखों के कोने से, क्योंकि सूख चुके थे वो भी, आखिर दूरियां जो हो चुकी थी अवश्यंभावी। समय की टिक टिक भी आखिर कब तक बताती रहे कि याद है ना वो अनमोल क्षण जो लड़ते झगड़ते हुए थे महसूस कि पनप चुका था प्यार। आखिर तंज कसना और अजीब से उम्मीदें प्रेम का ही तो हिस्सा थी। खैर, समय ने बदला सब कुछ, बदलती उम्र का तकाजा कहूँ या फिर स्थिर नजरों का प्रौढ़पन। दूर से आती प्रकाश बिंदु नहीं ठहर पा रही बिना चश्मे के, कहीं मोतियाबिंद तो नहीं, फिर भी एकदम से कॉर्निया के मध्य बनने लगी है एक नई खिलखिलाती सी तस्वीर। यहाँ तक कि अलिंद निलय को जोड़ते हृदय के शिराओं से आई इको करती ठहरती सी आवाज़ के गुलाबी पाड़ वाली साड़ी में ग्रेस से भरे गुलाबी होंठों पर जब आती है मुस्कुराहट तो गुलाबी गालों पर थिरकती मुस्कुराहटों की वजह नजरों का मिलना तो नहीं। एंजियोग्राफी ही बताएगी कि शिराओं में बहने तो नहीं लगी हो कहीं। वैसे भी आकर्षण हो भी क्यों ना, आखिर साड़ी की चमक के साथ सुनहरे शब्दों में बंधे वाक्यों का अलबेला समूह बता रहा था कुछ बेवजह की बातें वजह बन जाती हैं, जिंदगी में नए धूप के चौरस टुकड़ों के रूप में खिलखिलाने के लिए। फिर जरूरी तो नहीं कि जिंदगी की रुमानियत गुलाब के पंखुड़ियों सी गुलाबी ही रहे हर पल। सुनो, गुलाबी फ्रेम वाले चश्मे में मिलना कभी, ताकि रंग और प्रेम दोनों का वजूद खिलखिलाए तुम्हारे गरिमामय चेहरे पर, समझी ना। मुकेश जी की ये कविता आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। हमारा काम अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आपके प्यार की, आपके स्नेह की हमें बहुत ज़रूरत है। शुक्रिया।